सरयू राय के जदयू में शामिल होने के साथ ही जो चर्चा सबसे जोर शोर से शुरू हुई, वो जो सवाल सबसे महत्वपूर्ण रूप से उभरा है वो यह कि अब झारखंड में एनडीए का स्वरूप क्या होगा, यानी कि एनडीए में कौन कौन सी पार्टियां होंगी, किसे कितनी सीटें मिलेंगी और वे सीटें कौन सी होंगी। एनडीए फोल्डर की इस रस्साकसी में अब तक सिर्फ दो पार्टियां थी, भाजपा और राजसपा, लेकिन सरयू राय के जदयू में शामिल होने के साथ ही यह मान लिया जाना चाहिए कि एनडीए फोल्डर में एक और पार्टी शामिल हो गई है, जो इस विधानसभा चुनाव में सीटों को लेकर ना सिर्फ अपनी दावेदारी पेश करेगी बल्कि भाजपा और राजसू के लिए सीट बंटवारे में चुनौती भी बनेगी। सरयू राय के जदयू में शामिल होने से एक तरफ सरयू राय को मझधार में नाव मिल गई है और जदयू नामक उस नाव को एक कुशल नाविक। झारखंड में चर्चा इस बात की भी है कि हो सकता है कि सरयू राय अपने साथ कुछ और लोगों को भी जदयू में शामिल कराएं, जिससे भाजपा पर दबाव बनाकर सीट बंटवारे में अधिक सीटें हासिल की जा सके। आगे क्या होगा वह तो पता नहीं, लेकिन इतना तय है कि एनडीए के फोल्डर में इस बार जेडीयू की भी हिस्सेदारी रहेगी। एनडीए में जेडीयू के शामिल होने से कैसे बदलने वाला है चुनावी समीकरण और क्या हो सकता है सीट शेयरिंग का आंकड़ा, आखिर इस आंकड़े का क्या पड़ेगा विधानसभा चुनाव पर असर और सत्ता के कितने दूर कितने पास पहुंच पाएगी भाजपा, इन सभी सवालों का आज हम देने जा रहे हैं जवाब और बताने जा रहे हैं आपको कि झारखंड की राजनीति में क्या हो सकता है जेडीयू का भविष्य। नमस्कार जोहार, मेरा नाम है आकाश आनंद और आप देखना शुरू कर चुके हैं झारखंड की राजनीति का सबसे सटीक और विस्तृत विश्लेषणात्मक कार्यक्रम जिसका नाम है सियासी कहानी। पांच में जेडीयू ने भाजपा के साथ मिलकर 18 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें से 6 सीटों पर जेडीयू ने जीत हासिल की थी। ये सीटें थी डाल्टनगंज, छतरपुर, तमाड़, मांडू, बागमारा और देवघर। लेकिन बीच के वर्षों में जेडीयू का प्रभाव राज्य में कम हुआ और धीरे धीरे यह पार्टी 0 विधायक 0 सांसद के आंकड़े पर पहुंच गई। इस बात से इनकार तो कतई नहीं किया जा सकता कि अभी भी झारखंड में जेडीयू का मतदाता वर्ग है और इसी के आधार पर पार्टी 11 सीटों पर अपनी प्रभाव की बात कर रही है, जो कि काफी हद तक सही भी है। इस लिहाज से सरयू राय के आ जाने से पार्टी और पर्सन दोनों को फायदा मिलेगा। एक तरफ जदयू को अपने पुराने वोटरों का साथ मिल सकेगा, जिसमें मुख्य रूप से कुड़मी समाज का कुछ हिस्सा आता है। इसके अलावा सरयू राय के कारण विशेषकर जमशेदपुर, धनबाद आदि क्षेत्रों में अपर कास्ट वोट भी जदयू की तरफ कुछ हद तक शिफ्ट हो। इन तमाम समीकरणों को ध्यान में देखने और पार्टी के संसाधनों को ध्यान से देखने के बाद इस बात से इनकार तो कतई नहीं किया जा सकता कि जेडीयू झारखंड में 2-3 सीट जीतने की क्षमता तो रखती है। लेकिन यहां मामला फंस ही नहीं रहा है, मामला तो फंस रहा है कि आखिर जेडीयू को सीटें कितनी मिलेंगी, क्योंकि पहले से ही भाजपा और राजसू के बीच खींचतान चल रही है। सुदेश महतो लगातार राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का दौरा कर रहे हैं। पिछली बार आजसू 18 सीटों की डिमांड कर रही थी, भाजपा 12 पर राजी हो गई थी, लेकिन अंत में बात नहीं बनी और दोनों पार्टियों ने अलग अलग चुनाव लड़ने का फैसला किया। इसका असर यह हुआ कि भाजपा और आजसू सत्ता से बाहर हो गई। हिंदुस्तान की एक रिपोर्ट के अनुसार राज्य की 13 ऐसी विधानसभा की सीटें थी जहां भाजपा और आजसू को मिला वोट यूपीए गठबंधन से अधिक था। यदि इन 13 में से 6 सीटें भी आज एनडीए के खाते में आती तो आज स्थितियां बहुत अलग होती। निश्चित तौर पर भाजपा राजसू में कोई भी आज अलग होकर चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं है और नहीं सोच सकती है, इसलिए खींचतान के बदले कोई बीच का रास्ता निकाला जाएगा। लेकिन इस बीच जदयू के आ जाने से फजीहत बढ़ेगी और नए सिरे से सीटों का बंटवारा करना होगा। जदयू ने 11 सीटों पर अपने प्रभाव की बात की है, इसका अर्थ है कि वह 8 से 10 सीटों की मांग कर सकती है। पिछली बार आजसू 18 पर थे, इस बार वे 20 से अधिक चाह रहे हैं। हालांकि केंद्र में मंत्री पद नहीं मिलने के बाद तो दावेदारी और मजबूत हो गई, लेकिन इस हिसाब से भाजपा के पास 50 सीटें आती हैं अगर ये दावेदारी रहती है तब, जबकि भाजपा के अंदर खाने से यह सूचना है कि इस बार पार्टी ने निर्णय लिया है कि वह कम से कम 67 सीटों पर चुनाव जरूर लड़ेगी। कम से कम 67, यानी 67 से नीचे वे नहीं आने वाले।
इस गणित के हिसाब से जेडीयू और आजसू के हिस्से सिर्फ 14 सीटें ही आती दिख रही, जिनमें से एक एनसीपी के विधायक कमलेश राम के लिए सीट फिक्स है। यानी कि 13 सीटों में से आजसू और जेडीयू दोनों को बंटवारा करना हो। इस हिसाब से आजसू को 10 और जेडीयू को 3 सीटें मिलती दिख रही। हालांकि अब मेरा व्यक्तिगत आकलन है, इसमें बदलाव संभव है। देखिए, रस्सा कस्सी में जब रस्सी पर खिंचाव बढ़ता है, टेंशन बढ़ता है, तो रस्सी टूट भी जाती है, जैसा पिछली बार हुआ था। 2019 में आजसू को मन मुताबिक सीटें नहीं मिलने के कारण वह गठबंधन से अलग हो गई थी। इस बार तो 3 पार्टियां हो गई, जदयू के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए वह जिद पर अड़ सकती है। जबकि भाजपा और आजसू नहीं चाहेंगे कि किसी कारण से गठबंधन टूट जाए, क्योंकि इसका हर्जाना वे पिछले चुनाव में भलीभांति भुगत चुके हैं। यानी कि अभी तक की स्थितियां जो है, हमारे हिसाब से भाजपा और आजसू और जदयू के बीच गठबंधन होगा, प्री पोल्स अलायंस होगा, जिसमें भाजपा को 65 से 67, आजसू को 8 से 11 और जदयू को 3 से 4 और अन्य यानी कि निर्दलीय को 1 या 2 सीटें मिल सकती हैं। मैं फिर से इस बात को बार बार दोहरा रहा हूं कि अभी तक पार्टियों के बीच इस तरह की कोई बातचीत या इस तरह का कोई बैठक नहीं हुआ। हम यह बात अपने आकलन और वर्तमान राजनीतिक स्थितियों के आधार पर कर रहे हैं। जैसा कि हमने बताया कि जदयू और आजसू का वोट बैंक लगभग लगभग एक जैसा है। अब कई कमेंट पे लिखेंगे कि भाई कुर्मी और कुर्मी अलग है, वो समझते हैं, लेकिन काफी हद तक इन दोनों का वोट बैंक ओवरलैप करता है। जदयू के आने से आजसू को ज्यादा नुकसान हो सकता है, क्योंकि जदयू उन्हीं सीटों पर अपना दावेदारी पेश कर सकता है जिस पर आजसू भी दावा करता रहा है। इधर कुछ सीटें ऐसी भी हैं जो भाजपा नहीं छोड़ना चाहेगी, जैसे मांडू की सीट, जहां जेपी पटेल भाजपा की तरफ से पिछली दफा जीते थे, लेकिन अभी वे कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। आजसू और जदयू दोनों ही सीट के लिए भाजपा पर दबाव बना सकते हैं, लेकिन इस सीट को भाजपा नहीं छोड़ना चाहेगी। इसी तरह जमशेदपुर पूर्वी की सीट यानी रघुवर दास वाली सीट पर भी भाजपा और जदयू दोनों अड़ सकते हैं। यानी कुछ एक सीट पर तीनों पार्टियों की नजर है, कुछ पर 2 पार्टियों की नजर है। कुल मिलाकर इस बार एनडीए फोल्डर में सीटों का बंटवारा आसान नहीं होने वाला है। हो सकता है कि इस चक्कर में प्रत्याशियों के नाम की घोषणा में भी देरी हो। हालांकि कहा तो ये जा रहा है और अंदर खाने से चर्चा इस बात को लेकर बड़ी जोर से है कि अगस्त के आखिरी सप्ताह तक बीजेपी अपनी 40 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा भी कर सकती है। बहरहाल, इधर सरयू राय पर सबकी निगाहें जमी हैं। बार बार इस बात की चर्चा जोर शोर से हो रही है कि सरयू राय कुछ लोगों के संपर्क में हैं। वे चाहते हैं कि अन्य लोग को जदयू में शामिल करा लिया जाए और अपने साथ लाया जाए। चर्चा तो इस बात की भी है कि वे जयराम महतो के संपर्क में हैं और उनसे अपने साथ आने के लिए बात कर रहे हैं। हालांकि अभी तक इस संबंध में कोई ठोस जानकारी या कोई रिपोर्ट सामने नहीं आई। एकाध रिपोर्टिंग केवल कयासों के आधार पर कहीं कहीं छपी है, लेकिन अगर सरयू राय आने वाले कुछ दिनों में कुछ अन्य लोगों को अपने साथ ले आते हैं तो फिर एनडीए में रहकर भी वे भाजपा के लिए नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। चूंकि केंद्र में भाजपा को नीतीश की जरूरत है, उन्हीं के सहयोग से सरकार चल रही है, भाजपा के पास नीतीश कुमार की बात मान लेने या कहें कि उनकी बात पर गंभीरता से विचार करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचता। इतना तो कहा ही जा सकता है कि राज्य में इस बार का चुनाव बहुत ही दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि सभी पार्टियां 2 खेमों में बंटकर चुनावी रण में उतर रही है। इंडिया खेमे में सभी सीटों को लेकर जिस तरह की खींचतान हो रही है, उस पर हम पहले ही बात कर चुके हैं। आप हमारे प्लेलिस्ट पर जाकर उन वीडियोस को बखूबी देख सकते हैं। आने वाले दिनों में भी जो जानकारी हमें मिलेगी या जिस तरह के अपडेट आएंगे, हम आप तक विश्लेषण के साथ जरूर पहुंचाते रहेंगे। आप देख रहे थे द फोर्थ पीरियड का नया नवेला और अब तो पुराना हो चुका कार्यक्रम सियासी कहानियां। मेरा नाम आकाश आनंद है और कैमरे के पीछे हैं नीरज। जाने से पहले आपसे गुजारिश कि एक बड़ा डेवलपमेंट, राजनीतिक डेवलपमेंट झारखंड में हुआ है सरयू राय के जदयू में शामिल होने के बाद, उसको लेकर हमने आज विश्लेषण किया है। अगर आपको लगता है कि अलायंस में एनडीए फोल्डर में सीटों के बंटवारे में जो कुछ भी गुणा भाग हो सकता है, उसको लेकर हमारा आकलन दुरुस्त है, सही है, तो आप इस वीडियो को अन्य लोगों तक शेयर कीजिए। और अगर आपको लगता है कि आपके आकलन हमारे आकलन में कुछ बुनियादी फर्क हैं, तो अपने आकलन को कमेंट बॉक्स में जरूर साझा कीजिए, ताकि हम अपने आकलन से आपके आकलन को गुणा भाग कराकर देख पाएं कि हम कितने सही, आप कितने सही। बाकी द फोर्थ पीरियड के इस वीडियो को देखने के लिए आपका लाख लाख शुक्रिया।